देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शहडोल के स्कूल में बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी एक बानगी जिले के एक स्कूल में देखने को मिली, जहां पढ़ाई करने गया 5 साल का बच्चा जो कक्षा 1 में पढ़ता है, उसके दूर के रिश्तेदार स्कूल से अगवा कर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग करते रहे। परिजनों द्वारा मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अगवा करने वाले रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोतवाली पुलिस अगवाई की चंगुल से बच्चे को सुरक्षित छुड़ाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। कोतवाली अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के रहने वाले 5 साल के बच्चे अभिनव मिश्रा ज्ञानोदय स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ता था, जो रोज की तरह कल भी स्कूल गया था। तभी दूर के रिश्तेदार मूलचंद उर्फ बाबा बच्चे को लेकर किडनैप कर छत्तीसगढ़ लेकर चले गए। इस दौरान किडनैपर परिजनों से 50 लाख रुपए की डिमांड करते रहे। मामले की जानकारी लगते ही किडनैपर बच्चे की परिजनों ने मामले की जानकारी लगते ही किडनैप हुए बच्चे की परिजनों ने मामले की शिकायत शेड्यूल कोतवाली में की थी। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने किडनैपर रिश्तेदार मूलचंद उर्फ बाबा के खिलाफ किडनैप की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पड़ताल में जुट गई। कोतवाली पुलिस ने किडनैपर को छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोतवाली पुलिस किडनैपर की चंगुल से बच्चे को सुरक्षित छुड़ाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। फरीद खान की रिपोर्ट। मैं अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजी थी ऑटो में, फिर 12 बजे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है, पर्णिका मिश्रा फोन की है कि आपका बच्चे को कोई ले गया है। तो मैं तुरंत वहां से अपने बच्चे के साथ, अपने चेट वाले लड़के के साथ, आदर्श मिश्रा के साथ वहां गई हूँ आदर्श स्कूल भारती को देखने के लिए कि है कि नहीं। वहां से पता की तो मैम लोग बता दी कि वो बाबा आए थे, जो हम 2 बार आए हैं, हमारा एडमिशन करवाने आए हैं, वो लेके गए हैं कैमरे में पूरा। फिर मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन दी थाने में, चला तो गया है। मेरा नाम पूजा मिश्रा है। ये अपने कोटमा निवासी मिश्रा परिवार के यहाँ का बालक है, ये 4 साल की जिसकी उम्र थे। रोजाना की भांति ये अपने स्कूल गया था, ज्ञानोदय स्कूल में पढ़ता है, LKG में। आज गया था और अपने वापस इसको लगभग 1 बजे दोपहर में वापस आना रहता, तो वापस नहीं आया था। घर वाले परेशान होकर इसके ढूंढने इसके गए थे, विद्यालय गए, तो वहाँ के विद्यालय के टीचर ने इनको बताया कि एक मूलचंद शुक्ला है, तो इसको अपने साथ लेकर गए हैं। तो तब उन्होंने देखा कि मूलचंद शुक्ला का मोबाइल नंबर उन्होंने पता किया और फिर उसको पुलिस को सूचना दी। SP साहब ने 4 वर्ष का बच्चे से संबंधित मामला होने से तुरंत टीम पुलिस टीम का गठन किया गया और साइबर सेल को एक्टिव किया। साइबर सेल से सहायक उप निरीक्षक अमित दीक्षित ने अच्छा काम करते हुए लगातार आगे बच्चे की लोकेशन के आधार पे आगे मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर थाना छत्तीसगढ़ के से इनसे कोऑर्डिनेट किया तथा उसकी लोकेशन से उसको पकड़वाया और यहाँ से पुलिस ने जाके वहाँ मनेंद्रगढ़ में बच्चे को दस्तयाब किया है। बच्चा मूलचंद शुक्ला के पास से मिला है और उसको हम वापस ले आए हैं। बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द किया है। अभी इस संबंध में अभी आरोपी से बयान लिए जाना बाकी है। अब विवेचना में जैसे भी आगे तथ्य आ जाएंगे कि क्यों लेके गया था, क्या इसके पीछे कारण रहे थे, वो इस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला धारा 363 भादावी के तहत पंजीबद्ध किया गया है। अभी आरोपी से कोई संबंध ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। अभी जैसे पूछताछ होगी, जैसे उस प्रकार से जानकारी आएगी वैसे बताया जाएगा। परिवार वाले भी अभी अपहरण का आरोप लगा रहे हैं उस पर कि उसका उसके घर में रहता था, ये बाबा था, बाबा बच्चा बाबा करके बोलता था और ये बिना बताए उसको ले गया है, तो अपहरण का बताया है, तो अपहरण का मामला पंजीकृत भी कर लिया पुलिस ने।